2500 की शॉपिंग आप करोगे तो आपको 5 किलो आटा मिलेगा। 5 किलो आटा। गुड मॉर्निंग गाइस, आप बोलोगे क्या? क्या हाल चाल? बढ़िया। अब हाल चाल बढ़िया। ओहो, सिंधा भी आ गया। सो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग, वीकली व्लॉग। पहले हम स्नैपचैट में कर रहे थे, अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। फिर से संडे है, अभी आज सोच रहे हम क्या करने जाएंगे। अभी फिलहाल अभी उठे हैं एंड ब्रेकफास्ट करके एंड अपॉइंटमेंट एक लिया हुआ है। अभी 1 साल हो चुका है कि कुछ ना, ये देखो क्या हाल रखा है। बहुत मतलब जूड़ा बना के फाइनली मैं भी आई एम एबल टू गेट रिड ऑफ दिस जूड़ा। ये जूड़ा बना के ना यहाँ पे एकदम बाल बहुत, और इतना बारिश भी हो रहा है ना, बारिश में आपका बाल झड़ने भी लगा है बहुत। हर जगह तो बोल के कुछ फायदा ही नहीं है, बाल तो बांधती नहीं है वो। कभी बाल नहीं बांधेंगी वो, कभी बाल नहीं बांधेंगी। और फिर ऐसे ये तो मैंने बांधा जबरदस्ती, कभी बाल नहीं बांधेंगी, इसीलिए मैं स्पेशली आज दोनों हम इतने इतने करके आ जाएंगे, छोटे छोटे ये भी और मैं भी। चलो रेडी होते हैं। सो गाइज, हम दोनों हो चुके हैं रेडी और अभी हम लोग निकलेंगे अपने पार्लर। और हम दोनों को भेज के अक्षय, आधे का पापा क्या कर रहे हैं पता है? ये देखो, ये एक हॉरर मूवी लगी है, ये एक कौन सा नाम है पता नहीं, हमने देखा नहीं। ये प्लान है संडे का, ये हॉरर मूवी देखने वाले हैं। आपको पता है डॉगीज को पता चल जाता है जब भूत आ जाता है तो। देखो ऐसे भूत होते हैं, पहले व्हाइट का सूट पहनते हैं, ऐसे पूरा लंबा व्हाइट सूट पहनते हैं, फिर बाल लंबे होते हैं इनके, फिर ऐसे करते फिर भूत बन जाते। अच्छा, ये वाले भूत से डर लगता है। ये भूत देखा है मैंने। कहाँ देखा है आपने? मूवी में। हमने तो कभी दिखाया नहीं आपको। फिर से हम आ गए इसी जगह में। आज माता रानी की फोटो अच्छी आ रही है। माता रानी की। अंकल नहीं रोक रहे बेटा, रेड लाइट्स होते हैं। आपने स्कूल में नहीं पढ़ा? रेड लाइट पे क्या होता है? यस, ग्रीन लाइट पे एंड येलो पे। सो अभी बाहर क्या है देखो आप, वो क्या है? रेड है ना। सो वी शुड, हमें क्या करना चाहिए? यस, स्लो कब होगा? तो स्लो नहीं ना, अभी रेड है तो हमें रुकना है, है ना। फाइनली दिल्ली में अच्छी खासी बारिश हो गई है, अच्छा लगा, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत है ना। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड हुए है ना। चलो कम मासी मूव करो, बोलो। मेरा हेयर स्टाइल शुरू और मेरा हेयर के शैम्पू करने वाले। हाँ, पहले शैम्पू होगी और फिर कटिंग करेंगे। फाइनली मेरी बारी है, अभी देखते हैं कैसे कटिंग करना है।
बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था तो मैंने म्यूट कर दिया है, कॉपीराइट इश्यूज यू नो. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. सो गाइज फाइनली हेयर कट हो चुका है हमारा और आत्या का, और ये मेरी फ्रेंड है रितु, और भैया तो अंदर ही है. आत्या भी बहुत खुश है, हैप्पी हैप्पी हो गई है, हैप्पी हैप्पी हो गई हेयर कट करा के. हाँ वो मैं पता नहीं दिखा सकती हूँ कि नहीं. और भैया जिसने किया है वो तो अंदर ही है. भैया ने अच्छा किया ना, और अच्छा किया ना. आज का बस थम्स अप आता है. ओके चलो मिलते हैं फिर. अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा जूस पीना है. आदिया को बोल रही है और बैठी हुई है यहाँ पे हेयर कटिंग करके. कैसा होगा ना, ओस गिरा हुआ शायद. हाँ अभी कैमरे सही लग रहा है, पहले कैमरे में थोड़ा सा ना ऐसे ओस गिरा हुआ था, ऐसे लग रहा था. अभी सही लग रहा है ना. क्या क्या हुआ है ना आदिया का, नहीं बांध सकते अभी बाल. ऐसे बाल ऐसे हेयर कट किया है कि अभी हम दोनों बाल नहीं बांध. मैं तो बांध सकती हूँ फिर भी, लेकिन आद्या को भी बांध ही देंगे अगर चाहे तो. हाँ गिरेगा गिरेगा, पी लो. हाँ दीदी पी लो, गिरेगा. कैसा है देखो, ये सही है पापा के लिए. सो गाइस फाइनली हेयर कट वट हो गया है, जूस भी पी लिया है और अभी हम घर जा रहे हैं. थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी थी है ना. आगे हो गई बहुत टायर्ड और मैं भी हो गई बहुत टायर्ड. अभी हम लोग घर जाएंगे क्योंकि पूरा दिन ही निकल गया आज का तो. लेकिन बाहर भीड़ बहुत ज़्यादा है. हम जस्ट टाइम पे मैं आई थी, खाली था, बट जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है मतलब इस टाइम पे तो इट्स लाइक एकदम से नॉर्मल, लोग एकदम ही नॉर्मल है. मतलब एक तरफ से अच्छा भी लग रहा है कि शायद थिंग्स आर गेटिंग बेटर, बट ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ है करके. सब नॉर्मल है, भीड़ एकदम बहुत है. अभी मैं कैमरा बंद कर रही हूँ क्योंकि आद्या वेट मेन रोड है, आद्या को पकड़ना है. ओके मिलते हैं घर जाके फिर. ऑल राइट अभी हम लोग किस में बैठ के जा रहे हैं, बैटरी रिक्शे में. आद्या को बहुत पसंद है ना, बहुत मजा आता है. मुझे भी बहुत पसंद है, एकदम खुला खुला. लेट हो गए ना इसलिए अभी हम बैटरी रिक्शे में जा रहे हैं है ना. ये देखो दिल्ली में ना ये बहुत दिख जाते हैं. अभी थोड़ी देर पहले ना बहुत सारे थे ना एक जगह में. अभी मैं बोल रही थी ना कि दिल्ली में ये बहुत दिखते हैं. देखो ये सारे पिजियन है, ये देखो सारे, ओ सारे देखा. छोटे ज्यादा हो गए तो घर आ गए गाइस. हम लोग आके फ्रेश हो गए हैं, छोटा कर लिया मैंने बाल. वैसे अभी पता नहीं कैसा लग रहा है लेकिन अभी एटलीस्ट मेंटेन हो जाएगा, जगह सही हो गया. और अभी वो अंदर कुछ तो कर रही है. ये देखो ये सारी चीजें खरीदना पड़ा हम लोगों को. मैंने भी बोला छोटा मोटा शॉपिंग करूंगी. ये सारे कपड़े हम उठा के ले आए किसके लालच में पता, और ये एक चॉपिंग बोर्ड पे लाया है. चॉपिंग बोर्ड खराब हो गया था, किसके लालच में किया पता इतने सारे कपड़े. ये आद्या के है ज्यादातर, और क्योंकि एज ऐसे है ना मतलब थोड़ा सा भी टी शर्ट थोड़ा टाइम में
उसका टाइट हो जाता है, इसलिए है ज़्यादातर मेरे छोटे मोटे हैं, इसके पापा के लिए थोड़ा सा लेके आए। और एक्चुअली मैं नाम फ्री सुन के कैसे लालच आता है ना, सो ये जो स्कीम लगाते हैं, सो स्कीम था आपको इफ़ यू क्रॉस 2500 2500 की शॉपिंग आप करोगे तो आपको 5 किलो आटा मिलेगा। 5 किलो आटा कॉस्ट इसका है आपका वो 250 रुपये, ठीक है 250 रुपये इसका है। 500 रुपये का एक्स्ट्रा और शॉपिंग किया मैंने काउंटर से वापस जाके, वो 250 रुपये का आटा फ्री लेने के लिए। आई थिंक आज के लिए ब्लॉग यहीं पे फिनिश करते हैं, पेंडिंग काम खत्म करते हैं। खाना बन चुका था तो खाना खा लिया है, रात की तैयारी करनी है अभी। सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके गाइज टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक। देखो ये फिर से लगी हुई है इसमें।